घरों में तीन वक्त का खाना तैयार करना मुमकिन न रहा। लकड़ियों पर खाना पकाना अब बहुत महंगा पड़ता है। खवातीन कहती हैं, बच्चे भूखे पेट स्कूल चले जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं बगैर नाश्ते के, और बूढ़े हैं जिनको शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता तो उनको बहुत तकलीफ होती है। हम सारा सारा दिन बैठ के गैस का इंतजार करते हैं, लेकिन गैस आती तक नहीं। तो गरीब लोग ये लकड़ियां ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। फिर सारा दिन कोई भूख पे बैठता है, कोई फिर मजबूर होके मर्ज चले जाते हैं होटल पे। एको सा 12 महीना गुजरिया नहीं हो गैस असा का है जुलम किरायो काठी छेड़ा कहीं एकड़ो वेलो खाउता एकड़ो बैठा ही एड़ी असा के तकलीफ है। सरकार के छे बिल असा दे अचे तो 1000 बिल जन था गैस आए कोन भी बिल काठू वठाऊं छेड़ा वठाऊं सरकार काडन यो सा कहीं। गैस न होने पर होटलों का रुख करने वाले मर्द भी परेशान हैं। कहते हैं, कब तक होटलों से खाना खरीद कर खाएंगे? अभी रोटी लेने होटल पे आए हैं, यहाँ महंगी पड़ी है, हुकूमत हमारी गरीब नींद में सोई पड़ी है। हम कब तक ये है जो होटल पे रोटी खाएंगे? खुदा रहा हमारा गैस का मसला हल करो। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग के लिए फौरी इकदाम उठाए जाए।